नमस्कार दोस्तों, निफ्टी चैनल पे आप सबका स्वागत। ये कल वाली वीडियो का ही होता है हमेशा स्क्रीनशॉट। तो यहाँ शॉर्ट कवरिंग लिखी हुई थी, मतलब इसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग और शानदार टारगेट हमें रैली मिली और टारगेट भी मिले 10,690 के। तो उम्मीद है आपने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा। और उसके बाद एक ये लेवल मैंने बताया था आपको 21,155, तो आपने देखा होगा पहले इसी के ऊपर शॉर्ट कवरिंग बनी, तेज रैली आई, उसके बाद फिर डिप आया, फिर 155 से ही फिर से सपोर्ट ली। ये लेवल आपको पहले से ही हमने निकाल के दे दिया था। तो इस तरह से आपने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको एक दिन पहले ही पता चल सके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और इम्पोर्टेंट लेवल निकाल निकाल के जो हम आपको देते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, नीचे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया उसे जो क्लिक कीजिए, और उसके अलावा जो डीमैट अकाउंट के लिंक दिए वहाँ से अपना डीमैट अकाउंट खोलिए और ट्रेडिंग को इंजॉय कीजिए। तो आइए अब हम आपकी डिमांड पर सेंसेक्स भी शुरू कर रहे हैं। तो सेंसेक्स के भी लेवल नोट कर लीजिए। देखिए जो शॉर्ट कवरिंग बनेगी वो बनेगी 74,265, ठीक। इसके ऊपर ये लेवल नोट कर लीजिए, इसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग के चांसेस हैं। और ऊपर जो इंपॉर्टेंट लेवल हो गए 74,534 और 74,784। ध्यान रहे ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। 74,784 मतलब 74,784 के आसपास सेल ऑन राइज वाला मामला बनेगा। और नीचे ये एक बार 74,265 निकल गया तो एक अच्छी खासी रैली आपको 300-400 पॉइंट की भी मिल सकती है। नीचे जो इस वक्त सपोर्ट है अभी फिलहाल जहां पे सेंसेक्स है तो यहाँ सेल ऑन राइज वाला मामला है। और नीचे की ओर अगर कहीं सपोर्ट है तो वो है 73,400, यहाँ पे आपकी सपोर्ट है, ठीक। तो ये है इसके इंपॉर्टेंट लेवल सेंसेक्स के। अब आते हैं हम क्रूड में। क्रूड की भी आपकी डिमांड थी, क्रूड भी हमें बताया कीजिए। तो क्रूड में देखिए जो अब ब्रेकआउट आएगा वो आएगा 8,700 के ऊपर, इसके ऊपर आपका बनेगा ब्रेकआउट, ठीक। ऊपर के जो लेवल होंगे 8,784 और 8,826। नीचे की ओर अगर 8,540 टूटा तो दोबारा से पेन क्रिएट हो जाएगी, मतलब मार्केट के फिर गिरने के चांसेस हो जाएंगे क्रूड के और भी ज़्यादा। नीचे फिर 8,446 और नीचे 8,387 फिर से खुल जाएगा। ध्यान रहे 8,387 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। पहले भी यहाँ पे कई बार सपोर्ट ली है। अभी यहाँ पे जहाँ सेंसेक्स है वहाँ पे नहीं, क्रूड है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो ब्रेकआउट लेवल तभी मैंने आपको बता दिया, ये रहा 8,700। अगर एक बार 8,700 निकला तो 8,784 और 8,826 भी आपको दिख सकते हैं। तो ये है आपका प्राइस एक्शन क्रूड और सेंसेक्स का। अब आते हैं रुपये पे। रुपये पे क्या पोजीशन है, तो मैंने आपको समझाया हुआ है यहीं पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ट्रेड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे नो ट्रेड जोन है। तो रेजिस्टेंस 83.61 के आसपास ही, यहीं पे आप सेल ऑन राइज वाला काम कर सकते हैं, वरना नीचे सपोर्ट यहाँ पे 82.84, यहाँ पे नो ट्रेड जोन में इस टाइम रुपया है। बाकी स्टॉक्स में आपको बताया हुआ है कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ आपको चार्ट के बारे में बताया जाता है। तो सीमेंस ये लगा था 2-3 दिन से, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब से इसने ये चैनल पे ब्रेकआउट दिया ना, ये वाला ये चैनल था, जो नए आए हैं वो नोट कर लीजिए, 4,585 से 4,980 इसके बीच में कई दिन से ट्रेड कर रहा था। जब जैसे ही इसके ऊपर निकला एक शानदार ब्रेकआउट इसके ऊपर बना, इसे कहते हैं चैनल के ऊपर ब्रेकआउट। दूसरा इंडिगो, ये देखिए पीनट फ्लैग बना रहा है, तो जब भी कोई चार्ट पे पीनट फ्लैग बनाए तो वो काफ़ी बुलिश होता है। तो इन दोनों की आप स्टडी कीजिए अपने आप और देखिए क्या करना है। अब आते हैं हम फिन निफ्टी पे। तो फिन निफ्टी में अब क्या माजरा, क्या चार्ट कहता है। देखिए चार्ट के अकॉर्डिंग अब फिन निफ्टी पे जो सपोर्ट है 21,114 से 21,126 के एरिया पे सपोर्ट है। अगर दोबारा यहाँ से कल डिप आता है
तो फिर से यही लेवल आएंगे, बाय ऑन डिप है यहाँ पे, यहाँ पे फिर निफ्टी फिर से सपोर्ट ले सकती है और ऊपर 121,178, 21,237 और 21,266 इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। शॉर्ट कवरिंग कहाँ बनेगी? देखिए शॉर्ट कवरिंग बनेगी 21,266 के ऊपर। जैसे ही एक बार 266 क्रॉस होगा तो आपको एक रैली दिख सकती है, चाहे वो 40-50 पॉइंट की क्यों ना हो। 21,330 यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, अगर ये क्रॉस हो गया 320 के ऊपर चलेगी फिर निफ्टी, तो आपको 21,390-420 और ऊपर फिर ऑल टाइम हाई भी आपको दिख सकता है। ऑल टाइम हाई क्या है? 21,600, मतलब एक बार 21,320 क्रॉस होना काफ़ी ज़रूरी है अगर आपने ऑल टाइम हाई को टच करना है। उससे पहले एक छोटा शॉर्ट कवरिंग 266 के ऊपर है और बड़ी शॉर्ट कवरिंग 320 के ऊपर है। कल मान लो अगर गैप अप ओपनिंग होता है, वैसे गैप अप ओपनिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, अगर गैप अप ओपनिंग होती है 266 के आसपास तो अपना प्रॉफिट बुक कीजिए, 313 के आसपास आता है तब भी प्रॉफिट बुक कीजिए और दोबारा मार्केट को मौका दीजिए कि दोबारा नीचे घूमकर फिर ऊपर आए, 266 के ऊपर आए, तब शॉर्ट कवरिंग बनेगी। एक बार शॉर्ट्स को पढ़ने दीजिए, मतलब आप अपना प्रॉफिट लेके एक बार निकल जाइए, दोबारा शॉर्ट्स पढ़ेंगे और शॉर्ट कवर होंगे, फिर एक रैली 313 की ओर बनेगी। अब आते हैं हम मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, दिन के हाई पर क्लोजिंग दी है तो गैप अप ओपनिंग है, इसके भी पूरे पूरे चांसेस हैं, तो इस पर भी नोट कर लीजिए। जो चार्ट के अकॉर्डिंग अब स्पोर्ट निकल के आई है वो है 10,600 और 10,600 तक फिर से कोई डिप आता है तो वहाँ पे बाय करना चाहिए। 10,600, 14,634, 661, 689 और 702 इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। 728, 743 शॉर्ट कवरिंग कहाँ बनेगी? देखिए शॉर्ट कवरिंग जो बनेगी वो बनेगी 10,743, ये लेवल नोट कर लीजिए। 10,743 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग बनती है, फिर इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे 768, 777, 818, 838, 852 और 906। 10,900 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा और यहाँ से फिर से मार्केट के गिरने के चांसेस बन जाएंगे नीचे की ओर, और फिर से ये लेवल आपने नोट करके रखने हैं फिर नीचे की ओर जब मार्केट गिरेगी तो ये लेवल फिर से इम्पोर्टेंट हो। तो ये था पूरा किस्सा। अगर एक चीज़ और बता दीजिए, बता देते हैं कि मान लो गैप अप ओपनिंग होती है तो अगर 10,728, 740 के आसपास अगर एक बार गैप अप ओपनिंग होती है तो वहाँ से निकलिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए और फिर मार्केट को एक डिप का वेट करिए, डिप आके फिर अगर 743 के ऊपर निकले तब जाके शॉर्ट कवरिंग बनेगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखना है कि शॉर्ट कवरिंग तभी बनती है जब शॉर्ट्स ऊपर के लेवल पर पड़ेंगे। एक बार कॉल राइटर को आने दीजिए फिर शॉर्ट कवरिंग बनेगी, फिर ऊपर के लेवल्स खुलेंगे। मतलब अब जो मार्केट जा रही है ऊपर वो शॉर्ट कवरिंग के सहारे धड़ाधड़ ऊपर चलती चली जाएगी। तो एक बार आपने 740 के आसपास अगर खुलती है तो निकलना है। अगर 743 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो समझ लीजिए छोटी शॉर्ट कवरिंग तो आ ही गई, ठीक है। और फिर आपको ऊपर के लेवल जो मैंने अभी बताए हैं वो आपको दिख सकते हैं। तो ये था पूरा कंप्लीट ब्योरा सभी का, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, क्रूड, रुपया, सब कुछ हमने आपको बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।